हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आ गई हूँ आज की न्यूज लेकर आई हूँ सोहक यानी कि मोहक नारायण सुरभि राठौर की आज की अपडेट। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर चीज आप ध्यान से देखना। गाइस, आज की इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि आप लोग सहम जाओ, आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि आखिर सुरभि एंड मोहक के बीच क्या चल रहा है, कैसे सुरभि ने अपनी फीलिंग्स को शेयर कर दिया है अपने फैंस के साथ, उन पर क्या बीत रही है, ये सब चीजें मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा देखना गाइस। गाइस, आखिरकार सुरभि ने अपनी फीलिंग्स शेयर कर दी है, सुरभि ने बता ही दिया है कि उन पर क्या बीत रही है, मोह के बिना वो क्या सहन कर रही है। सभी लोग कह रहे थे कि सुरभि बदल गई है, सुरभि बोल्ड कपड़े पहनने लगी है, अब वो सुरभि नहीं रही जो पहले वाली थी, इंडियन कपड़े पहनती थी, खुश रहती थी, उनकी एक स्माइल पे मोह बाकी के सारे फैंस खुश हो जाते थे। कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक कमेंट आया था कि मोहक और सुरभि मिहिर गुप्ता की सेड वाली रील्स पर रील बना रहे हैं, बट गाइज अब जो रील सुरभि ने बनाई है अब जो वीडियो सुरभि ने बनाई है उसे देखकर कोई भी रोने लगेगा। जी हाँ गाइज, सुरभि ने एक वीडियो बनाई है जिसके बोल हैं, आज अब तुम पास मेरे में बदल नहीं रहा, खत्म हो रहा हूँ। मोहक के फैंस सुरभि की ये वीडियो देखकर खुद के आंसू नहीं रोक पाए। गाइज, सुरभि ने जिस हाल में ये वीडियो बनाई है उसे देखकर कोई भी सोहक का फैन रो पड़ेगा। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं, रात का समय, सुरभि ने नाइट ड्रेस पहनी हुई, ऐसा लग रहा है जैसे रात को सुरभि को नींद नहीं आई, रात को अकेले में सुरभि अपने बिस्तर में रोई हो। एंड सुरभि ने तभी डिसाइड किया हो कि वो वीडियो बनाएंगी और अपनी फीलिंग्स को शेयर कर ही देंगी सबके साथ। गाइज, इस वीडियो में आप सुरभि की आंखों में आंसू के साथ दुख भी साफ देख सकते हैं। इसके अलावा भी एक और वीडियो है जो सुरभि ने बनाई है, बहुत लोग है तेरे पास पर मेरा तू है खास, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ यार, प्लीज आ जाना मेरे पास। गाइज, काफी दिनों से हम देख रहे थे कि सुरभि ऐसे हिंट वाली वीडियोस बनाती रहती है, पर गाइज इस पर सोहक के फैन पेजेस ने भी इस पर जमकर रिएक्ट किया है। मैं आपको बताती हूँ इस पर सोहक के फैन पेजेस ने कैसे अपना अपना रिएक्शन दिया। गाइज, एक बहुत ही बड़ा सोहक का फैन पेज है जिसे कि मोहक एंड सुरभि दोनों ही फॉलो करते हैं, सोहक एक्स हेवन, उन्होंने ये स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, शुरू मेकिंग मी क्राई, यानी कि इस वीडियो से शुरू ने मुझे भी रुला दिया है, टूटे दिल के इमोजी के साथ यहाँ पर मोहक को भी टैग किया गया है। सेकंड स्टोरी में लिखा है, यार प्लीज एक बार मिल लो, आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा। इस स्टोरी में भी मोहक एंड सुरभि दोनों को मेंशन किया गया है। गाइस, ये एक बहुत ही बड़ा फैन पेज है सोहक का, जिसको कि मोहक एंड सुरभि खुद दोनों फॉलो करते हैं। इस फैन पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग खुद जाकर ये स्टोरीज देख सकते हैं। गाइस, ये स्टोरी तो कुछ भी नहीं, अगली स्टोरी जो मैं आपको बताऊंगी वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। गाइस, स्टोरी में आप क्लियरली देख सकते हैं कि मोहक ने स्टोरी देख ली है। जी हाँ गाइस, मोहक ने ये स्टोरी देख ली है, थैंक गॉड। और गाइस, इस स्टोरी का कोई रिएक्शन नहीं दिया है मोहक ने, सिर्फ सीन किया है। ये बात सोहक एक्स हेवन ने ही खुद स्टोरी डालकर बताया, खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई खुश मत होना क्योंकि मोहक ने ये स्टोरी सिर्फ देखी है, इससे रिलेटेड कुछ भी रिएक्शन मोहक ने अभी नहीं दिया है। क्योंकि गाइस, इन दोनों में से हम सब सोहक फैंस को एक का रिएक्शन पता चल गया, सुरभि ने क्लियरली हिंट दे दिया है, अब हम सभी सोहक फैंस यही कह रहे हैं, सबको यकीन है कि अगर एक बार ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो फिर ये एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। गाइज, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से सोचे तो ये काम इनके दोस्त करवा सकते हैं किसी बहाने से, जैसा कि फिल्मों में होता है, एक दूसरे को सामने लाकर खड़ा कर सकते हैं। 100% सुरभि मोहक को मना लेगी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कुणाल नितेश खुशी ऐसा क्यों नहीं कर रहे, क्यों वो इन दोनों को मिला नहीं रहेंगे। खैर गाइज, अभी तो मोहक अपने भैया के बर्थडे के लिए हिसार अपने होम टाउन गए हुए हैं। गाइज, मैं तो यही दुआ करूंगी कि दोनों बस एक बार मिल जाए, आई एम श्योर फिर सब सही हो जाएगा। गाइज, आप लोग भी इन दोनों के लिए दुआ करना, अब नहीं देखा जाता इन दोनों को अलग अलग, ये दोनों ही साथ में बहुत प्यारे लगते हैं, इन दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ ही है, ये दोनों ही सोलमेट है। गाइज, गॉड ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। गाइज, ये नहीं रह सकते एक दूसरे से अलग होकर, सुरभि की हालत देखकर हमें अंदाजा हो गया है इस बात का। गाइज, सुरभि की ये वीडियो देखकर तो मुझे भी रोना आ गया था। इन दोनों के लिए मैं तो बस यही दुआ करूंगी कि अल्लाह इनको जल्दी मिला दे। तो गाइज, आइए देख लेते हैं कल की वीडियो के कुछ कमेंट, मन तो नहीं था फिर भी आप लोगों के कमेंट्स में शामिल करना नहीं भूलूंगी। पहला कमेंट है राज ऑफिशियल का, दी मोहक एंड सुरभि का ब्रेकअप हुआ है तो मोहक नारंग वाले चैनल पर न्यू वीडियोस कैसे आ रही है। तो गाइज, मैंने पहले भी बताया था कि वो एक फेक चैनल है, वो मोहक का चैनल नहीं है, मोहक का रियल चैनल है जिसपे 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर है, प्लीज आप लोग उसी चैनल को देखें, कोई फेक चैनल को ना देखें। नजरीना ने कमेंट किया, गाइज हमें इन कपल को छोड़ देना चाहिए, ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे। तो आपकी फीलिंग सही है, हमने बहुत कोशिश कर ली, 2-3 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं, पर गाइज अब जब इनके मिलने का समय आ गया तो हम इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। रानू साहू ने कमेंट किया, यस दीदी। ब्लैक 111 ने कमेंट किया, फेक कपल है सुरभि मोहक, बस ये दोनों फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए साथ में है। तो गाइज, ऐसे कमेंट करने वाले प्लीज मेरी वीडियो ना ही देखे तो सही होगा। मुन्नी रजा ने कमेंट किया, कोई भी फॉरएवर साथ नहीं रहता, सब साथ छोड़कर चले जाते हैं। अगला कमेंट है, मोहक सुरभि एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, साथ ही साथ फैंस को भी इग्नोर कर रहे हैं। गाइज, ये बात सही है कि ये इग्नोर कर रहे हैं, बट हो सकता है कि इनको ये बात अभी फैंस को ना बतानी हो, मे भी ये बाद में बता दे। गुड़िया विकास ने कमेंट किया है, ये छोड़ो मोहक सोहक को, आप अपनी स्टोरी बनाओ यूट्यूब पे। गाइज, इनका कमेंट मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज आप इस वीडियो में कमेंट करके बताएं मुझे इसका मतलब। प्रियंका सोलंकी ऑफिशियल ने कमेंट किया, दी सुरभि दी को देखकर लगता है कि वो मोहक भाई को मिस करती है, लेकिन मोहक को देखकर नहीं लगता, सुरभि दी ने बहुत सारे हिंट भी दिए हैं एक होने के, बट मोहक भैया बिल्कुल अपोजिट लगते हैं। यस प्रियंका, यू आर राइट।
अभी तक जितने भी हिंट मिले हैं हमें सुरभि की तरफ से ही मिले हैं। गाइज आज वाली वीडियो देखकर तो क्लियरली हिंट मिल ही गया है हमें कि क्या हुआ है। बट गाइज ऐसा नहीं है, मोहक भी कोई खुश नहीं होंगे सुरभि के बिना रहकर। एंड मोहक का नेचर ही ऐसा है, जब उनको गुस्सा आता है या फिर वो किसी उलझन में होते हैं तो वो शांत हो जाते हैं, कुछ भी रिएक्शन नहीं देते और कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। मोहम्मद फैजल का कमेंट है, मुझे अब भी उम्मीद है मैम और वो जरूर मिलेंगे। यस गाइज ऐसे कमेंट क्या करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड उम्मीद अभी भी बरकरार है। माही ने कमेंट किया, आई डोंट नो क्या हुआ है उनके बीच, बट ये बोलूंगी भगवान जरूर मिलाए सोहक को, ट्रस्ट रखना। यस गाइज हमें होप नहीं छोड़नी है। अभी पटेल का कमेंट है, वी वॉन्ट सोहक बैक। क्रिस्टिना के ने बड़ा ही अच्छा कमेंट किया है, आई एम डन विद देम, देयर फाइटिंग लाइक किड्स बट आई एम नॉट गोना गिव अप। यस गाइज यही स्पिरिट होनी चाहिए, हमें गिव अप नहीं करना है, हम कोशिश कर सकते हैं गाइज, हम इतना तो कर ही सकते हैं। भूमिदास ने कमेंट किया, वी वॉन्ट सोहक बैक। रचना सिंह ने कमेंट किया, अगर मिलना होगा दोनों को तो मिल जाएंगे, हमारा कहने से कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये इनका पर्सनल मैटर है। तो सही है रचना, ये इनका पर्सनल मैटर है लेकिन हम इन पर कोई दबाव नहीं डाल रहे, बट हम किसी के लिए दुआ तो कर ही सकते हैं कि उनका अच्छा हो जाए। प्रीता सिंह ने कमेंट किया, नहीं थी, हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए, वेल डन, हमें यही चाहिए सोहक फैंस की तरफ से कि हमें कोशिश जारी रखना चाहिए, कोशिश करने से गाइस सब कुछ सही भी हो सकता है, हमें गिव अप नहीं करना है। प्रिया 786 ने कमेंट किया, आई मिस यू सोहक, प्लीज प्लीज कम बैक। सोनी शाह ने कमेंट किया, वी वॉन्ट सोहक। साक्षी आर्या ने कमेंट किया है, 3 मंथ हो गए विदाउट सोहक के। खाली जामन ने कमेंट किया, गाइज ऐसी बात नहीं है कि सोहक के वापस आने की उम्मीद खत्म, बिकॉज मोहक भैया के बर्थडे के लिए गए हैं हिसार। एंड अगर आपने सुरभि की स्नैपचैट स्टोरी देखी होगी तो उसमें स्टोरी में 100% श्योर कि सोहक वापस आएंगे। माय नेम इज सोबिया। तो सोबिया बहुत ही अच्छा कमेंट किया है आपने, पहले तो थैंक यू इतना अच्छा कमेंट करने के लिए, और हमें बस यही उम्मीद रखनी है कि सोहक जल्दी वापस आएंगे। अनम ने कमेंट किया, नहीं उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वेरी नाइस अनम, बहुत ही अच्छा कमेंट लगा मुझे आपका, हमें उम्मीद नहीं छोड़ना है, बस यही चाहिए गाइस। ऑफिशियल आशु ने कमेंट किया, वी वॉन्ट सोहक बैक प्लीज। रामदत्त सोनी ने कमेंट किया, वी वॉन्ट ओनली सोहक बैक। हीना दास ने कमेंट किया, दी हम उम्मीद नहीं हारेंगे। तो गाइज मुझे ऐसे वाले कमेंट पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा कि सोहक फैंस उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते, हम दोनों को साथ ही देखना चाहते हैं। वेल डन गाइज, हमें ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है एंड इन दोनों के लिए दुआ करनी है, दोनों जल्दी ही जरूर मिलेंगे। सुमित बिष्ट ने कमेंट किया, नॉट ट्रू कि हम जो सोचे वो सही हो, उम्मीद रखो, आई है ओनली 2 ऑप्शन, डेट आर प्रे टू गॉड एंड सेकेंड। खुशी सोनी ने कमेंट किया, थैंक यू दी इन्फॉर्मेशन देने के लिए सोहक की, वेलकम खुशी एंड थैंक यू सो मच आपको कमेंट करने के लिए। मोहम्मद नसीम ने कमेंट किया, लेकिन दीदी थैंक यू अपडेट देने के लिए, माय नेम इज अनस मलिक, वेलकम एंड थैंक यू सो मच अनस कि आपने कमेंट किया। जैनब ने कमेंट किया, यस हमें अब छोड़ देना चाहिए, होप कि उनका ब्रेकअप ना हुआ हो। फैजल बाजी ने कमेंट किया, माय नेम इज मेहर दी, आज सुरभि दी उनके ब्रेकअप अकाउंट पे जो, हाँ गाइस वो रील्स मैंने आपको दिखा दी, उस रील से हमें जो हिंट मिली है अब तक नहीं मिली थी एंड गाइस अब हमारी उम्मीद 200% हो गई है। पूषा साकेत ने कमेंट किया, दी सोहक मिलेगी, यू आर सो ब्यूटीफुल एंड दी सोहक के बीच कम, सोहक के बीच सब ठीक हो जाएगा, आई होप पूषा की सब सही हो जाए, थैंक यू सो मच। पटेल ने कमेंट किया, आई लव योर वॉइस, थैंक यू सो मच ज्योति। कृष्णा सोलंकी ने कमेंट किया है, दी आई होप कि सोहक जल्दी ही मिलेंगे। मदन ने कमेंट किया, दी मुझे सोहक पर पूरा विश्वास है, सोहक जरूर मिलेंगे। रामदत्त सोनी ने कमेंट किया, ये मेरा दिल बोल रहा है, फिर वीडियो भी बनाएंगे। बंटू सिंह ने कमेंट किया है, सो प्लीज कम बैक सोहक, आई मिस यू। मुकेश शाह ने खूब सारे रोने वाले इमोजी शेयर किए हैं। आशा जी ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया, एज ऑलवेज थैंक यू सो मच आशा कमेंट करने के लिए। आशी जी ने कमेंट किया, बहुत कोशिश कर ली थी, तो आशी उस कोशिश का फल हमें जल्दी ही मिलने वाला है एंड आई होप कि जल्दी से जल्दी सोहक मिलेंगे। मोहम्मद नसीम ने कमेंट किया, दीदी एक वीडियो में उन्होंने एक व्लॉग बनाया है और उसमें सुरभि राठौड़ का बर्थडे है। ऑफिशियल आशु ने कमेंट किया, नहीं हमें कोशिश करनी चाहिए। माही ने कमेंट किया, दी सुरुदी का स्नैपचैट स्पॉटलाइट देखो प्लीज, सुरुदी ने दोनों रील्स डाला है, हाँ गाइस हमने पूरी वीडियो में उसी के बारे में बात कर ली एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों के ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले कमेंट मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। श्रेया नाइक ने कमेंट किया, गुस्सा आता है अभी सोहक पर। अंजलि ने कमेंट किया, ब्रेकअप हो गया है। मोहम्मद फैजल ने कमेंट किया, मुझे अभी भी उम्मीद है मैम और वो जरूर मिलेंगे।